बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में। आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल पेपर हैकर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं बॉटनी के पेपर के बारे में, जो है BSc फर्स्ट सेमेस्टर का हुआ है और ये पेपर MJPRU रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली का है। यदि आप 2023 या 2024 या 2025 में देखने वाले हैं तो आप पेपर देने वाले हैं, तो आपके लिए पेपर देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी का पेपर कैसा बना था बॉटनी का, ध्यान से देख लीजिएगा। क्योंकि ये पेपर आपके जब 2024 में पेपर दोगे, 2023 में पेपर दोगे, 2025 में पेपर दोगे, तो इससे क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से उठेंगे, याद रखना, ठीक है। तो आपका जो पेपर बना था वो 75 नंबर का बना करेगा, आगे भी बनेगा, यही 3 घंटे में आपको सोल्यूशन करना पड़ेगा। फर्स्ट सेमेस्टर की बात करने वाले हैं और हमने जो क्वेश्चन दिए थे वही क्वेश्चन रिपीट हुए थे लगभग में। तो आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे और पेपर हैकर को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देते हैं वही आपको तैयार करना होता है। 2023 में भी आप वही तैयार करके जाइए, 2024 में भी आप वही तैयार करके जाइए। यहाँ देख लीजिए, आपको पता होगा कि जो शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपके 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, 3 नंबर का एक पेपर होगा, 15 नंबर का होगा। शॉर्ट क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। और वहीं बात की जाए, 2 क्वेश्चन करने होंगे, 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन पूछेगा, 2 क्वेश्चन करने होंगे। और वहीं लॉन्ग क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे, जो आपके लगभग में 1 से 2 क्वेश्चन, मतलब 6 क्वेश्चन पूछेगा जिसमें 3 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बनता है। तो सेक्शन नंबर ए में जो हमारा दे रखा है 5 क्वेश्चन का अटेंड करना है। जैसे कि यहाँ सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊँगा इन क्वेश्चनों के आंसर को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, ताकि हम क्वेश्चनों को आगे से बना बना के कराएँ, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। यहाँ देखो वैक्सीन की बात की गई है, तो वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन के वास्तविक खुराक के बाद जो बूस्टर डोज की जरूरत क्यों पड़ती है। देखो बूस्टर डोज बेटा वो कहा जाता है, जैसे कि मान दीजिए आपने COVID-19 की, एक जैसे कोरोना हो गया था, COVID-19 की वैक्सीन चल रही है, तो कम से कम 1 डोज 2 डोज 3 डोज ऐसे मिला कर ना, दोनों डोज ले लो, तीनों डोज ले लो कहते हैं ना, तो वो डोज जो होती है हमारी, ठीक है ना, एक डोज हमारी पहले लगती है, उससे फिर फास्टली 2 डोज लगती हैं, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो वैक्सीन की दोनों डोज लगना बहुत ज़रूरी है, तो वो चीज़ है, तो मतलब वैक्सीन क्यों ली जाती है, वैक्सीन क्या होता है। वैक्सीन एक बेटा एंटीबायोटिक होता है जो हमारे रोगों से हमारी बॉडी को बचाता है, आगे जो फ्यूचर में जो रोग होने वाले हैं उनसे भी बचाता है, ठीक है, ये चीज़ हमारी वैक्सीन का कार्य करता है, तो वो आपको बताना है। वहीं बात की जाए दूसरे क्वेश्चन की, तो यहाँ बोला गया है एंडोजोइक जो सवाल होते हैं उनके बारे में हमसे पूछा है, वो किसे कहते हैं, तो इनको बस शॉर्ट में आपको बताना है, ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस आपको शॉर्ट क्वेश्चन करना है यहाँ से, ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आपको यहाँ करना नहीं होता है। वहीं बात करूँ तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया ऑटोक्लेव, ठीक है, किस तरह का कार्य करता है, तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए पूछा गया। वहीं बात करूँ एक थे एमओपी थे, प्रोफेसर एमओपी थे, उनका बॉटनिकल मतलब कि वनस्पति विज्ञान में, मतलब बॉटनी में उनका क्या योगदान था, योगदान के बारे में एक्सप्लेन करना था आपको, बस बाकी कुछ नहीं था। एक आप जैसे जब 5वां जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया जैविक खेती, बेटा जैविक खेती वो खेती होती है जिसमें हम किसी भी मेडिकल जो मेडिसिन होती है उनका यूज बिना किए, हम केवल प्राकृतिक द्वारा या फिर हम जैसे कि गोबर हो गया, खाद वगैरह होती है, तो देसी खाद के द्वारा हम उसका प्रयोग करें, यूज करें, देसी दवाई इसमें इस्तेमाल करें कोई भी चीज़ के लिए, तो वो जैविक खेती के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है किस तरह की खेती वातावरण स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने में कैसे मदद करेगी, कोई जैविक खेती है तो वो हमारे स्वास्थ्य को कैसे ठीक कर सकती है, हमारी बॉडी कैसे सही रहेगी। आपको पता है अभी तो जो हाल ही में जितने भी हमारे फल फ्रूट वगैरह जो भी आते हैं वो ज़्यादातर मेडिसिन का यूज हो रहा है उनमें, तो कुछ ना कुछ मतलब बचाने के लिए, उन रोगों से बचाने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट पहुंचाते हैं, हमारी बॉडी को इफेक्ट पहुंचाते हैं, तो वो चीज़ यहाँ देखी गई है, ठीक है, तो आपको वही चीज़ बताना है। अब सेक्शन नंबर यदि बी की बात करें, तो सेक्शन नंबर बी में मैं 2 क्वेश्चन करना है, 3 क्वेश्चन पूछेगा, 7.5 नंबर का क्वेश्चन होगा। अब यहाँ मैं आपको बता दूँ दूसरे को पहला क्वेश्चन पूछा गया वो आपसे पूछा गया देखो SEM और TEM, इन दोनों में आपसे अंतर पूछा गया, देखो आप देख सकते हैं, जिसे हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इन दोनों में आपसे अंतर पूछा है, आप इन दोनों के बारे में अंतर एक्सप्लेन करना था। वहीं आपसे पूछा है संक्रमण, संक्रमण की परिभाषा क्या होती है, तो इन्फेक्शन आप जानते हैं, और ये विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शनों को मतलब रोग चरक के बारे में आपको बताना है। आपको पता है संक्रमण कैसे कहते हैं, संक्रमण का मतलब होता है, इन्फेक्शन का मतलब होता है एक चीज़ से दूसरे चीज़ को दूषित होना, मतलब मान लीजिए इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन फैल रहा है ना कहते हैं, तो इन्फेक्शन फैल रहा है जैसे एक स्थान पर इन्फेक्शन है, मान लीजिए एक प्लांट है उसके थोड़ी सी अंग, एक अंग सूख गया, मान लीजिए एक टहनी सूखी, उसके बाद में यहाँ दूसरी टहनी भी सूखने लगी, फिर तीसरी टहनी, फिर चौथी टहनी, फिर पाँचवीं टहनी, तो इससे क्या होता है, उनमें क्या हो, इन्फेक्शन फैल रहा है,
वो उस पेड़ में इन्फेक्शन फैल रहा है, इन्फेक्शन फैल रहा है तो उसको हम यदि मेडिसिन का यूज करेंगे, दवाई का यूज करेंगे, उस रोगों को बचाने के लिए विस्तार करेंगे, तो जो दो तीन शाखाएं जो बची हमारी वो बच सकती हैं। तो उस चीज़ को रोग संक्रमण मतलब उसी को हम इन्फेक्शन कहते हैं। तो डिफाइन इन्फेक्शन करना था हमें, बाकी कुछ नहीं है। मशरूम के बारे में हमसे पूछा गया, मशरूम के उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण तरीका क्या होता है। अब देखो मशरूम को सबसे कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तरीका सिंपल तरीका यही है। यदि आपने मशरूम की होगी, मैंने तो की है, मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल तरीके से मैंने की है सच में, ठीक है। मैंने एक्चुअली एक बार हमने मशरूम को पैदा करके देखा था कैसे होती है, तो मैं इसका बीज लेके आया था पंत नगर, आपने सुना होगा, उत्तराखंड में पड़ता है एक, वहाँ यूनिवर्सिटी है जस्ट बराबर में, वहाँ बीज का निर्माण किया जाता है, तो वहाँ मशरूम का बीज मिलता है। तो मैं मशरूम का वहाँ से बीज लेके आया था। बीज ऐसा होता है बेटा, एक थैली में होगा, 1 किलो की थैली होगी, उसके अंदर गेहूँ होंगे, गेहूँ जानते हो, गेहूँ होंगे, और गेहूँ में सफ़ेद सफ़ेद फंगस टाइप की होगी लगी हुई, वही मशरूम होती है। उन गेहूँ को क्या करते हैं, गेहूँ का भूसा लेते हैं, पहले हम 2 महीने पहले उसको गेहूँ के भूसा को लेकर उसको पानी में यूरिया लगाकर खाद को सड़ा देते हैं, मतलब कि ऐसा कर देते हैं जो भुरभुरा हो जाता है, उसमें DAP यूरिया डालकर सब कुछ उसको एकदम एकदम क्या कहते हैं, बहुत जैविक खाद बना देते हैं, बहुत अच्छी वाली खाद बना देते हैं। उसमें जो गेहूँ में हम लेके आते हैं थैली में जो हमें मिलते हैं 100 रुपये 150 रुपये के हिसाब से मिलते हैं, उसको हम क्या करते हैं, जो हम उस गेहूँ में बो देते हैं, मतलब कि हम एक रैक टाइप के बनाते हैं, रैक टाइप के, ठीक है, रैप टाइप के, ताकि हमें आराम से मशरूम को तोड़ सकें इस तरीके से पूरा जो। और ये क्या होता है, एक अंधेरे में होता है, एक अंधेरा ब्लैक पॉलीथीन से उस पूरे को ढक दिया जाता है, और उसमें मतलब कि उसमें प्रकाश नहीं जाना चाहिए, प्रकाश नहीं जाना चाहिए उसमें, बस इसलिए प्रकाश जाएगा तो वो मशरूम पैदा नहीं होती है। तो ये क्या होता है, आप इस मशरूम को जो हमें थैली मिली है उसको हम बो देते हैं जगह जगह, ठीक है, ऐसे करके हम बो देते हैं और उस खाद में मिला देते हैं, उस खाद में मिला देते हैं, फिर क्या होता है वो जमने लगती है। वो क्या होता है फिर बेटा, समझ रहे हो ना, बकलूलो ध्यान से समझ लेना मेरी बात को, ठीक है। अब वो क्या होता है, वो जमने लगती है, ठीक है। अब जब वो जमने लगेगी, याद रखो जब वो जमने लगेगी तो यहाँ से छोटे छोटे जो दाने हमने बोए थे गेहूँ के, वहीं से निकलने लगती है, जो दाने होते हैं वो तो सड़ जाते हैं, और छोटी छोटी मशरूम यहाँ से पैदा होने लगती है, छोटी छोटी मशरूम पैदा होने लगती है, 1 से 2 दिन में वो तैयार हो जाती है, यदि अधिक निकलने पर वो 1 दिन में 24 घंटे में पूरी मशरूम तैयार हो जाती है, वो मार्केट में बिकने लायक हो जाती है। और उस मार्केट में बेचने के लिए हम कितने यूज करते हैं, लगभग में वो बिकती है 20 रुपये की 250 ग्राम देते हैं, 25 रुपये की 30 रुपये की ऐसे मिलती है 250 ग्राम, मतलब कि 100 रुपये किलो लगभग में मिलती है, ठीक है, 100 रुपये किलो के हिसाब से वो मशरूम बिकती है मार्केट्स में। कहीं कहीं जो शहर होते हैं वो उसमें 200 रुपये तक बिक जाती है। तो ये आपको प्रयोग बताना था, तरीका बताना था सिंपल करने का। अब यहाँ कह रहे हैं जो बटन मशरूम आप देख रहे हैं, बटन के ही आकार की गोल बटन की तरह की होती है, बटन मशरूम उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले जो ट्रैप होता है उसकी आपको माप बताना है, कैसा ट्रैप का यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सिंपल तरीका बता दिया। अब यहाँ बात करने वाले सभी, आपको यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए हैं, 15 नंबर का एक क्वेश्चन है, यहाँ सभी क्वेश्चन करने, मतलब कि 3 क्वेश्चन करने के लिए बोलेगा। यहाँ देखो TMB वायरस के बारे में आपसे पूछा है, जनरल फंक्शन के बारे में यहाँ बोला गया, उपरोक्त चित्र की सहायता से कह रहा है एक चित्र बनाइए, विषाणु की अनुवंशिक लक्षण की विशेषताओं को समझाइए और TMB की संरचना का वर्णन करिए। TMB आपने वायरस देखा होगा, इस तरीके का यह वायरस होता है, ठीक है, ये इस तरीके का वायरस होता है, एक प्लेट लगी होती है, इसमें 6 उसके पैर लगे होते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं 6 पैर होते हैं उसके, और ये TMB वायरस होता है, इसमें ये हेड होता है इसका, ये इसकी टैल होती है, पुछ होती है इसकी, ये हेड होता है, तो ये सब इसके बारे में टैल, ये हमारा TMB वायरस होता है। TMB वायरस को एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है और उसको चित्र सहित बताना है। उसके बाद में यदि आप ये क्वेश्चन ना करना चाहो तो आप नीचे वाला क्वेश्चन को कर सकते थे, जिसमें बोला गया कि प्राथमिक और द्वितीयक पोषण पोषक पर जो पॉक्सिनिया ग्रेमिस एक कह सकते हैं ट्रिपनेंसी थी, उसका लाइफ साइकिल के बारे में पूछा गया और वह फफूंद किस बीमारी का कारक होता है, ये आपसे पूछा गया। यदि आप ये क्वेश्चन ना करना चाहें तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं, जीवाणु में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अनुवंशिक कह सकते हैं पुनर्संयोजन का वर्णन करना था, तो अनुवंशिक जो रिकम्बिनेशन होता है उसके बारे में हमसे पूछा गया, जेनेटिक अनुवंशिक उनके 2 विस्तारों का वर्णन करना था, ये क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि ये क्वेश्चन ना करना चाहो तो उसके अथवा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, कारा के जो कारा होता है उसके लैंगिक जनन के बारे में और निश्चेषण मतलब कि किस तरीके से करते हैं, उनमें क्या परिवर्तन होता है, ठीक है। और वहीं मैं बात करूं आपको 11वें क्वेश्चन की, तो 11वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखो 11वां क्वेश्चन पूछा गया कि बायो रेमेडिएशन क्या होता है और इसके प्रकार के बायोडोमेशन का वर्णन करिए, विभिन्न प्रकार के स्थानीय समुदायों का आपको किस प्रकार से विभाजित होता है वो आपसे पूछा गया। यदि आप ये क्वेश्चन नहीं करना चाहें तो लाइकेन के बारे में बता सकते हैं कि व्हाट इज लाइकेन, लाइकेन क्या होता है, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था, वही क्वेश्चन आए हैं। और यहाँ कह रहा है लाइकेन को कह रहा है जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, तो लाइकेन को क्या चाहिए जो जीवित रह सके, उसके लाइकेन का वर्णन करना है, ये क्वेश्चन पूछा गया। यदि आप ये क्वेश्चन ना करना चाहो
तो ये आपके क्लियर होंगे, ठीक है। यही सारे क्वेश्चन थे, इसके अथवा में क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन थे आपकी बॉटनी का पेपर था, जो 2022 का आपने पेपर देखा है। यदि आप 2023 2024 का पेपर देने वाले हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और जो क्वेश्चन आप बताएं आप वो क्वेश्चन तैयार करके जाइए। थैंक यू, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।